बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जीन के फ्रॉक और टिशू के फ्रॉक की कटिंग करने का तरीका दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने जीन का पीस लिया है, ये मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने इसको फोल्ड किया, ये हमारा टिशू है, इस पर हमने कढ़ाई करवाई हुई है। तो इसकी कढ़ाई देखें आप कितनी खूबसूरत लगी, इसके फुल घूम है, ये पूरे घूम का फ्रॉक बनाना है मैंने। ये इसकी फ्रॉक की पेटी है, ये मैं आपको फोल्ड किया, अब मैं दूसरी बार फोल्ड कर रही हूँ। पीछे से मैंने पिछला हिस्सा जो ये फोल्ड करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे पिछला हिस्सा 1.5 इंच खुला रख कर उसको हम रख देते हैं। तो उसके बाद मैं अब आपको कांधे का निशान लगा कर दिखा रही हूँ। देखो कितनी आसानी के साथ, कितना अच्छा लगेगा। ये देखे, मैंने 5 इंच की लंबाई रखी है कांधे की, 5 इंच की मैंने ऊपर से कांधा रखा है। ये देखें, इधर से मैंने 4 इंच का रख दिया, इधर से मैंने 5 इंच का मर रखी है। ये देखें, मैंने निशान लगाया नीचे से गुलाई का थोड़ा सा, इधर से हमने सीने पे से लगाया, इधर से कमर का निशान लगा दिया। ये हमारा निशान लग गया है। अब मैं गले की गुलाई आपको दिखा रही हूँ, 2 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई, 3 इंच की लंबाई, ये गले की गुलाई हो गई है। देखें, ये नीचे से मैं गुलाई कर रही हूँ पेटी की, जो कि गुलाई करने से फ्रॉक के कोने नहीं लटकते। अब ये बीच की कटिंग कर रही हैं, अगर निशान थोड़ा सा टेढ़ा लग जाए तो कटिंग में मैं बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर कर उसको सीधा कर देती हूँ। अब ये देखें, हमारी कांधे की भी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको गला थोड़ा सा टेढ़ा निशान लगे हुए हैं, इसको सीधा करने के लिए मैंने कैंची से इसको कर दिया। अब ये हमारे फ्रॉक की कटिंग, ये बीच का मैं एक निशान लगा रही हूँ फ्रॉक के। अब ये पिछले हिस्से के मैंने टुक लगाए हैं फोल्ड करने के। ये देखो, मैं आपको फोल्ड कर कर फ्रॉक रख कर दिखा रही हूँ कि आपको कटिंग के दौरान सिलाई का तरीका भी आ जाए, ताकि आपको सीते हुए कोई मुश्किल ना हो। कटिंग के दौरान ही आपको सब कुछ सिलाई आ जाएगी। ये देखें, अगला हिस्सा हमने रख कर दिखा दिया। ये देखें, अब मैं इसमें ये आपको चूने डाल कर दिखा दूँगी, ये आप देखना, चूने इसमें डल जाएंगी। उसके बाद हमारे फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है। अब देखो, ये कटिंग में आपको फ्रॉक कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, कि ये सिला हुआ जैसे। अब मैं इसको पाइपिंग रख कर आपको दिखाऊंगी, ये लगाने का तरीका बता रही हूँ। गले में पहले, फिर कांधों में, फिर हमने इधर से सिलाई करनी है, फिर हमने इधर से घघरी जोड़नी है। ये देखें, मुकम्मल आपको फ्रॉक सीना आ गया। अब इसी तरह अगर हम आपको कटिंग दिखाते रहे तो आपको सिलाई मुकम्मल आ जाएगी। ये आपको मैं पाइपिंग काटने का तरीका बता रही हूँ। ये देखें, मैंने चौरस पीस किया, इसको मैं फोल्ड कर कर दूरा किया, अब मैंने जैसे कैंची फेर दिया। ये देखें, मैं आसानी के साथ बोल रही हूँ, जो मुझे बोलना आता है मेरी अपनी बोली के हिसाब से मैं बोल देती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं मारती। जो मुझे बोलना आता है, मुझे तो अपनी बोली में ही मज़ा आता है, किसी और में नहीं। इसको हम 2 इंच की कटिंग कर रहे हैं। ये 2 इंच की कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पेटी पे आपको डिज़ाइन रख कर नहीं दिखाया। अब मैं ये पाइपिंग कटिंग करने के बाद कपड़े को सीधा कर कर पेटी के ऊपर रख कर चूने डालने का तरीका दिखा दूँगी। ये देखो, इधर से कपड़े को मैंने सीधा किया, ये सीधा कर कर अब मैं पेटी पर रख कर, ये मैंने आपको गले में पाइपिंग रख कर दिखा दी है, ताकि आप आसानी के साथ रख कर सी सकते हैं। ये देखें, ये अब हमारा फ्रॉक कंप्लीट कटिंग हो चुका है। इसके बाद मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी। आपको हमारा फ्रॉक की कटिंग पसंद आए तो हमें लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना, और हमें
बीमारियों से अल्लाह ताला बचा कर रखे, अच्छा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास जो हुनर है हमें दूसरों को देने की अल्लाह ताला तौफीक दे। हर नेक काम में हम पहल करें। अब मैं आपको सिलाई दिखा रही हूँ, देखें। ये मैंने आपको पेटी पर जो डिज़ाइन बताया था वो रख कर दिखा रही हूँ। इसमें हमने ऐसे चूने दे देनी है पूरा रख कर। इधर मैंने मशीन लगाई है, अब ये देखें। मैंने पीछे से पहले इसको फोल्ड किया इसलिए आपको देखने में आसानी पैदा हो जाए। तो ये अब मैंने ऊपर नीचे रख कर इसको लगा दिया। अब ये मैं आपको ये फ्राक की पेटी घघरी पर वो जो मैंने डिज़ाइन लगाया उसके ऊपर मैं चूनों वाली घघरी रख कर आपको लगाने का तरीका दिखा रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको चूने डालते हुए दिखाया नहीं इसलिए पहले से दोनों पीस तैयार किए थे, इसलिए कि देखने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। चूने तो हर किसी को खुद पे खुद डालनी आती। ये हमारा फ्राक पेटी तैयार हो रही है, घघरी के साथ जोड़कर कंप्लीट हो जाएगा। आप हमें दुआओं में याद रखना। अगर आपको कोई गलती नज़र आए तो हम माजत खवाएँ, तो कमेंट कर पूछना। कोई बात आपको समझ ना आए तो चूने डालने का तरीका पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकती हैं। और हर सुबह उठकर आपने हर काम में पहल करनी है, कोई नेक अच्छा काम करें, दूसरों से अच्छा बोलें प्यार से। अब मैं आपको दूसरे वाली ये देखें, मैंने आपको चूने डालकर दिखा दिए। ये मैं अब पिछला हिस्सा जोड़कर आपको दिखा रही हूँ। ये भी चूनों वाला है, क्योंकि मैंने चूने डालने का तरीका नहीं दिखाया था इसलिए मैं अगला हिस्सा पिछला हिस्सा दोनों जोड़कर दिखा रही हूँ, ताकि मुकम्मल तौर पर आपको सीना आ जाए। तो हमें दुआओं में भी याद रखना और हमारे लिए दुआ करते रहना, दोस्तों में शेयर करना। ये कटिंग चिटिंग पूरी हमारी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमर कर पूछना क्या गलती है। कोई गलती हो गई तो माफ़ी देना। ये देखें, मैं आपको कांदा सीकर दिखा रही हूँ। ये हमारा कांदा तैयार हो गया। अब ये देखना, मैं आपको पाइपिंग लगा रही हूँ गले में। ये हमें थोड़ी सी खींच कर लगानी पड़ती है इसलिए कि हमें ढीली लगाएंगे तो चूने आ जाएंगी। इसको हम खींच कर लगाएंगे तो गले में बहुत प्यारी सी गुलाई आएगी। ये फ्राक की पाइपिंग लग रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मुकम्मल पूरी हो जाती तो मैं आपको फोल्ड करने का तरीका भी साथ ही दिखा देती हूँ। अब ये देखें, मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको फोल्ड कर दिखा रही हूँ। अब ये फोल्ड करते हुए भी आप देख लें, आप ये फोल्ड करते हुए गले का तरीका देखें, कितने अच्छे तरीके से ये गोल पाइपिंग लग रही है। मशीन की जो सीवन है वो कपड़े के ऊपर ना आए नीचे आए, उससे खूबसूरती बढ़ती है। अगर खूबसूरती में इजाफा करना है तो मशीन को पाइपिंग से नीचे आनी चाहिए और खींच कर लगाने से खूबसूरती बढ़ जाती है। ये हमारे गले की पाइपिंग लग रही है। जब सुबह उठें तो हर नेक काम करने की कोशिश करें कि सुबह उठती अच्छा काम करेंगे सारा दिन हमारा अच्छा गुजरेगा। ये देखो, हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, हमारा गला बन गया। ये देखें कितने प्यारे तरीके से बना है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, जीन के ऊपर सुरख कलर इतना अच्छा लग रहा। अब मैं कांधे की पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ आपको। देखेंगे, अभी मैं खींच कर लगा रही हूँ। कांधा भी गुलाई वाला होता है इसलिए इसको भी गुलाई करनी है। गुलाई कर और ये हमारी पाइपिंग अब फोल्ड कर दिखाती हूँ मैं कांधे की भी, इसलिए कि आपको गले के फोल्ड करते हुए ना समझ आए तो कांधे की भी फोल्ड करते हुए आप मुकम्मल तौर पर देख लें। अब इस पूरी वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद हमें ये बताना है कि इसके अंदर हमारी क्या कमी है। कोई कमी हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर बताना, और कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछना। जिस चीज़ की कटिंग करना चाहें तो कटिंग हम आपको कर दिखा देंगे। जो जैसे चाहेंगे आप, हम वही काम आपको कर दिखा देंगे। हमारे चैनल पर कढ़ाई सिलाई सब कुछ दिखाया जाता है। ये हमारी पाइपिंग पूरी हो गई है कांधे की भी। अब मैं आपको बीच की सीवन सिलाई कर दिखाती हूँ। ये देखो, हमारी बीच की सिलाई हो रही है। अब ये सिलाई करते हुए मैं आपको
ये दिखाती हूँ, जब हमारी फ्राक की घघरी आएगी इसकी हमने ये सीवन ऊपर की तरफ कर देनी है, इसके नीचे ना आए, ये हमने पूरा सी देना है। ये हमारा फ्राक पूरी सिलाई हो गई है और कंप्लीट हो गई है। देखें हमारा फ्राक तैयार हो गया। इसको हमने चुने देखे एक बटन लगाया, अब हम इस पर 3 बटन लगाएंगे, एक बंच लगाकर कंप्लीट कर देंगे। और अच्छा लगे तो हमें कमेंट कर बताना, दुआओं में याद रखना। और ये मैंने मुकम्मल फ्राक तैयार हो गया। अल्लाह हाफिज़।